वेलकम टू राजमाता विद्या विहार ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू द चैप्टर वन। ओके, हमारा जो चैप्टर वन है वही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें है हमारा टॉपिक है स्टोरेज यूनिट। एज यू ऑलरेडी नो, अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स मेमोरी। ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटास आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर में हम बहुत सारा अपना डेटा मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा, बहुत सारे प्रोग्राम्स है और डेटा है जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर में दो तरीके की मेमोरी है, फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नाउ लेट्स द डिटेल इन द प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो मेन मेमोरी से भी पहचानी जाती है। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। प्राइमरी मेमोरी में क्या है, नंबर, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, वो छोटे छोटे सेल्स उसमें बहुत होते हैं। ईच सेल कंटेंट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जो छोटे सेल होते हैं कीबोर्ड टाइप के, वो छोटे सेल होते हैं जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक पीस में वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर। तो हर एक सेल है वो नंबर से पहचाने जाते हैं। विच इज़ नोन एज द एड्रेस ऑफ दैट सेल। तो वो जो नंबर से पहचाने जाते हैं, जो नंबर है वो सेल का, वो मीन्स उसे क्या बोलते हैं, हम एड्रेस के नाम से जानते हैं। अ सेल एड्रेस इज यूज टू रिफर टू अ पर्टिकुलर सेल। और ये जो हमारा सेल है वो पर्टिकुलर एड्रेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई ज़ीरो लिखना है तो उसका पर्टिकुलर जो सेल होगा, तो हम जब ज़ीरो टाइप करते हैं तो वो सेल एक्टिव होगा और उसमें वो डेटा स्टोर होता है। द सेल एड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टेंट ऑफ दैट सेल। ओके, तो हर सेल का एड्रेस जो होता है, हर एक सेल का एड्रेस अलग अलग रहता है। सो व्हेन यू वांट टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर सेल, इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई द सेल एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन इट। ओके, तो आपको अगर स्पेशली आपकी कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करनी है, पर्टिकुलर कोई भी मतलब स्पेसिफाइड सेल में आपको स्टोर करनी है, तो आपके लिए वो सेल का एड्रेस आपका जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें आप वो एड्रेस के थ्रू उसमें इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली टू रीड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सेल, इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई द सेल एड्रेस। ओके, उसी तरह कोई भी सेल को आप उसमें डाली हुई इन्फॉर्मेशन रीड भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको क्या, उसका एड्रेस, सेल का एड्रेस पता होना चाहिए। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। ओके, प्राइमरी मेमोरी हमारी दो तरह की ही है, रैम एंड रोम। रैम, द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो इसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में स्टोर होती है। हैंस एनीथिंग स्टोर्ड इन रैम विल रिमेन स्टोर देयर ओनली एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर। ओके, हमारा जो भी रैम में स्टोर होता है वो किस में होता है, अगर पावर सप्लाई कंप्यूटर को मिलता है लंबे टाइम से तो ही उसमें स्टोर होता है। इफ़ देयर इज एन इंस्ट्रक्शन इन द पावर सप्लाई और इफ़ यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, यू विल लॉस ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम। अगर आपका पावर इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब पावर कट ऑफ होता है, आता जाता रहता है, या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपका जो रैम में इंफॉर्मेशन है वो स्टोर जो हुई है वो लॉस हो जाती है, मतलब नहीं रहती है। हैंस रैम ऑफ अ कंप्यूटर इज अ टेम्पररी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। इसका मीनिंग क्या है कि रैम क्या है, टेम्पररी मेमोरी है, कि थोड़े देर के लिए उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर यूजिंग बिट्स। अब ये जो रैम है उसमें हमारी इंफॉर्मेशन बिट्स के थ्रू यूज स्टोर होती है। अ बिट इज अ बाइनरी डिजिट। ओके, ये जो बिट है हमारा वो क्या है, बाइनरी डिजिट है, विच कैन बी आइदर जीरो और वन। बाइनरी डिजिट क्या है हमारा, जीरो और वन है। ये सब सारी चीज़ हमारे स्टैंडर्ड फाइव में ऑलरेडी हो चुकी है। अ ग्रुप ऑफ 8 bit इज कॉल्ड अ बाइट। ओके, हमारे रैम में इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है किस तरह से यूज होती है, बिट्स में। ओके, और ये बिट है क्या है, वो एक्चुअली बाइनरी डिजिट है। तो बाइनरी डिजिट कौन सा है हमारा, बिट 0 and 1। और 8 bit का जो पूरा ग्रुप बनता है, 0 and 1 का 8 bit का जो ग्रुप बनता है उसे बोलेंगे हम बाइट। ओके, ये आपको याद रखना है, वॉट इज अ बिट, बाइनरी डिजिट एंड बाइट। ओके, नाउ नंबर टू, रोम। द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी। ओके, रोम का फुल फॉर्म क्या है हमारा, रीड ओनली मेमोरी।
ओके क्या नाम है रूम का, रीड ओनली मेमोरी। ऑल द प्रोग्राम्स एंड द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू रन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन रूम। ओके ये जो सारे प्रोग्राम है और जो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन होने के लिए हेल्प करते हैं, वो सारे प्रोग्राम रूम में स्टोर होते हैं। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रूम कैन ओनली बी रीड। तो यहाँ पे जो हमारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है उस क्या कर सकते हैं, हम ओनली बी रीड। इट कैन नॉट बी चेंज और इट इज़ नॉट लॉस्ट इवन व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। क्या ये ओनली फॉर रीड करने के लिए है, और अगर स्विच ऑफ हो जाता है हमारा कंप्यूटर तो भी हमारा डेटा लॉस होता नहीं है। हैंस रोम ऑफ अ कंप्यूटर इज अ परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स के रोम क्या है, हमारी परमानेंट मेमोरी। हमने जो भी डेटा उसमें स्टोर किया है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, कि जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक डेटा उसमें स्टोर ही रहता है। ओके नाउ सेकेंडरी मेमोरी, द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। ओके ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या है, कंप्यूटर के एक्सटर्नल मेमोरी, मतलब बाहर से उसका हम मेमोरी यूज़ करते हैं। एज यू नो रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी विच इज़ लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हम जानते हैं कि रैम क्या है, हमारा टेम्पररी मेमोरी है। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन और जो स्टोरेज डेटा है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाता है। नाउ देयर मे बी सम इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू स्टोर परमानेंटली। ओके तो अब क्या है, हमें जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमें परमानेंटली स्टोर करनी है, तो सच इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम किस में स्टोर करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी में। इन्फॉर्मेशन स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी कैन बी इरेज्ड और सम न्यू इन्फॉर्मेशन कैन बी ओवरराइट ऑन इट। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हुई है उसमें हम इरेज भी कर सकते हैं और उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस फॉर सेकेंडरी मेमोरी। ओके मतलब बाहर से जो डिवाइस हम उसमें ज्वाइंट करते हैं उसे हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी के से पहचानी जाती है। तो ऐसे फोर काइंड्स है, हमारे पास ऐसी फोर चीज़ें जो जिसमें उस डिवाइस में हम सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करते हैं। फर्स्ट है हमारी हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड USB फ्लैश ड्राइव। फर्स्ट हार्ड डिस्क, देखो यहाँ पे पिक्चर में ही आपको हार्ड डिस्क दिखाई है। उसमें है कॉमन एक्सिस ऑफ हार्ड डिस्क, फिर टॉप प्लेटर है, आर्म ऑफ द रीड एंड राइट हेड है, फिर रीड राइट हेड है, इवन केबल फॉर CPU कनेक्शन। ओके तो ऐसी हमारी हार्ड डिस्क दिखती है। द हार्ड डिस्क इज अ स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज्ड इन अ स्टेलेड बॉक्स कॉल्ड द हार्ड ड्राइव। ओके जो हमारी हार्ड डिस्क है वो छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क टाइप की है जिसे हम हार्ड ड्राइव से पहचानते हैं। द हार्ड ड्राइव इज इनसाइड द CPU बॉक्स। ये जो हमारी हार्ड डिस्क है वो किस में होती है, CPU बॉक्स में के अंदर रहती है। कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन द हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर किस में से रीड करता है, रीड फ्रॉम एंड राइट, हार्ड डिस्क में से रीड करता है और राइट भी उसी में ही करता है। द हार्ड डिस्क स्टोरेज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स मैग्नेटिक एरिया। ओके यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, देखो रीड राइट, ये रही हमारी रीड राइट हेड है यहाँ पे। ओके आर्म फॉर रीड राइट हेड। तो यहाँ पे जो हमारा होता है मैग्नेटिक जो एरिया है वहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से हम स्टोर होती है ऑन मैग्नेटिक एरिया पे। ओके फिर एंड सो इंफॉर्मेशन स्टोर इन द हार्ड डिस्क विल नॉट बी इरेज इवन इफ देयर इज एन इंस्ट्रक्शन इन पावर सप्लाई और इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। ओके उसमें क्या है कि अगर हमने जो डेटा हमारा स्टोर हुआ है, इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टोर हुई है हार्ड डिस्क में, वो कभी भी इरेज नहीं होती इवन इफ जब तक हम उसमें डिलीट नहीं करते, और या फिर हमारा पावर सप्लाई इंटरप्शन रहता है या फिर पावर स्विच ऑफ हो जाता है हमारा कंप्यूटर तो भी डेटा इरेज नहीं होता है। हैंस द हार्ड डिस्क इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इससे हम क्या कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है, हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ नॉट रिमूवेबल, वो रिमूव हम नहीं कर सकते, मतलब उसमें से हमारी इंफॉर्मेशन रिमूव नहीं होती है। अ हार्ड डिस्क इज मच फास्टर देन अ फ्लॉपी डिस्क। ओके हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क टाइप की जो होती है उससे फास्ट है एंड हैज़ अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, और बहुत मात्रा में हम उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर
कर सकते। इट कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन देन अ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से भी ज़्यादा बहुत सारी मात्रा में हम इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर सकते। ओके बच्चों, बाय, प्रणाम।